बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी स्पीकिंग सिखाऊंगा, ऐसे फ्रेजेस सिखाऊंगा जो मोर लाइक अ नेटिव स्पीकिंग होती है, मोर लाइक अ नेटिव स्पीकिंग। मोर लाइक अ नेटिव स्पीकिंग से मुराद है कि इस तरह की स्पीकिंग कि जिसमें आप लोग ये जाने कि इंग्लैंड में वो लोग आपसे के साथ किस तरह गुफ्तगू करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अब हम बढ़ते हैं अपने पहले फ्रेज की तरफ, पहले सेंटेंस की तरफ। अब अगर इंग्लैंड में आप किसी स्ट्रेंजर आदमी को, टोटल स्ट्रेंजर आदमी को कहना ये चाह रहे हैं कि सर मैं माजत ख्वाहूं, क्या कहना चाह रहे हैं, सर मैं माजत ख्वाहूं, क्या आप मेरी बात सुन सकते हैं। सो उसकी ट्रांसलेशन क्या होती है, उसको इंग्लैंड में एक दूसरे को बहुत ज्यादा एक फिक्रा यूज होता है, वो कहते हैं सॉरी फॉर बॉदरिंग यू, सॉरी फॉर बॉदरिंग यू, लिख लें, यानी आपको तंग करने के लिए मैं माजत ख्वाहूं, आपको तंग करने के लिए मैं माजत ख्वाहूं। फॉर एग्जांपल आप बाहर जा रहे हैं और आपके पास सामान बहुत है, आप किसी स्ट्रेंजर अजनबी आदमी को कहना चाह रहे हैं मैं तंग करने के लिए माजत ख्वाहूं, मेरी बात सुन सकते हैं। सो आप उसे कहेंगे सॉरी फॉर बॉदरिंग यू, कुड यू प्लीज गिव मी अ हैंड, गिव मी अ हैंड का मतलब होता है कैन यू हेल्प मी, ठीक है। सो आप उसको ये कह सकते हैं, आप उसको ये कह सकते हैं, ये कह सकते हैं। तो दूसरी एक्सप्रेशन की तरफ या दूसरे हम तो दूसरे फ्रेज की तरह अगर हम चलें तो ये मोर लाइक ए नेटिव स्पीकिंग के लिए आप इसको शॉर्ट यानी मॉक्स कह सकते हो। हम कहते हैं कि ये काम जितना जल्दी हो सके ऐसे करो। सो हम इसे क्या कहते हैं, डू दिस वर्क एज सून एज पॉसिबल, प्लीज सेंड दिस मेल, प्लीज सेंड दिस मेल एज सून एज पॉसिबल। सो एज सून एज पॉसिबल को वो लोग कहते हैं ASAP, लिख लें, वो क्या कहते हैं, घबराना नहीं, ASAP का मतलब क्या है, एज सून एज पॉसिबल। सो नेक्स्ट एक्सप्रेशन जो मेरे पास मौजूद है वो है लुकिंग फॉरवर्ड टू से मुराद है, देखें गौर से सुनिएगा, ऐसी सिचुएशन जिसमें आप मुंतजिर हो किसी चीज के लिए, ऐसी सिचुएशन जिसमें आप मुंतजिर हो किसी चीज के लिए, यानी आपको इंतजार रहे, तो आप उसको कह सकते हैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर गुड रिप्लाई, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस, मतलब मैं इस चीज का मुंतजर रहूंगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक आदमी आता है या आप कहीं जाते हैं कोई चीज लेने के लिए, सो वो कहेगा यार आप मुझे से दो दिन दें, दो दिन बाद मैं आपको ये चीज प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप कहेंगे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, ठीक है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ए गुड रिप्लाई, यानी आपके अच्छे रिप्लाई का मैं मुंतजर रहूंगा, यानी आप मुझे रिप्लाई में यस ही कहेंगे, मुझे रिप्लाई में यस ही कहेंगे। और इसी तरह जैसे जॉब इंटरव्यूज में आप जाते हैं तो वो आपको कहेंगे ठीक है जी आपका इंटरव्यू हो गया है, हम आपको बाद में बताएंगे, सो आप क्या कहेंगे, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर, ओके सर थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर गुड रिप्लाई, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, सर थैंक यू सो मच, शुक्रिया, मैं आपके अच्छे रिप्लाई का मुंतजर रहूंगा। सो लुकिंग फॉर किसे कहते हैं, इंतजार करने को, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम बढ़ें, सो फॉर एग्जाम्पल आपने एक लफ्ज सुना होगा एफरेड, आपने लफ्ज एक सुना होगा एफरेड, कीजिएगा आपने ये लफ्ज सुना है ASRAID, एफरेड का मतलब होता है बहुत ज्यादा, क्या होता है, लेकिन नेटिव स्पीकिंग में, किसमें, नेटिव स्पीकिंग में अगर आप इंतहाई मुअद्दबाना अपोलॉजी करना चाहते हैं, जैसे आप कहीं खाना खाने गए बाहर वाले मुल्क, सो आप उसे कहते हैं प्लीज चिकन कढ़ाई ले आ दे, ठीक है, यू कैन से दैट, तो वहाँ पे आपको ट्रेडिशनल फूड मिलेंगे लेकिन पाकिस्तानी होटल्स में, सो वो आगे से कहता है कि सॉरी आई एम एफरेड, इसका मतलब ये नहीं कि मैं खौफजदा हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं माजरत खाऊँ, मैं माजरत खाऊँ, लिख ले, मैं ये क्या लिख लें जी, आई एम एफरेड, यानी मैं माजरत तब होता है, देखें आई एम एफरेड ऑफ लाइन, मैं शेर से डरता हूं या मैं शेर से खौफजदा हूं, जिस वक्त एफरेड के बाद, जिस वक्त एफरेड के बाद ऑफ लगता है उस वक्त उसका मतलब क्या आता है,
खौफ ज्यादा। जैसे मैं कहूँ आई एम अफ्रेड ऑफ लायन, क्या मतलब मैं शेर से खौफ ज्यादा हूँ या शेर से डरता हूँ? लेकिन अगर आपने किसी को ये कहना ना आई एम अफ्रेड, तो मैं माजरत हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपसे आपसे आपका हस्बैंड कहता है कि प्लीज मुझे 200 का लोड करवा दें, और आप कहते हैं कि आई एम अफ्रेड, मैं माजरत कहा हूँ मेरे पास दो लोड नहीं है। जैसे एक फनी भी यूज हो सकता है अगर किसी चीज का आंसर ना आता हो। हाँ कैसा? आई एम अफ्रेड, आई हैव नो आईडिया। यस आई एम अफ्रेड, मैं माजरत खा हूँ, मेरे पास इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, कोई आइडिया नहीं है। अच्छा फिर नेक्स्ट जो है वो बड़ा मजे का है, यानी एक ऐसी सिचुएशन में फॉर एग्जाम्पल आप वहां जाते हो और आपको पता है कि बाहर वाले ममालिक में सब लोग जो है वो अमेरिकन सिस्टम करते हैं खाने पीने, यानी आपको कहते हैं कि जी आपने जो खाया है उसके पैसे पे करते हैं और हमने जो खाया हम उसके पैसे पे कर देते हैं। सो आपको आपका दोस्त ये कहता है कि प्लीज यार आज तुम मेरे हिस्से के पैसे पे कर दो, मैं तुम्हें कल दे दूंगा। आप कहते चल यार कोई ना खैर, आप पंजाबी में कहते हैं चल यार कोई ना खैर मैं समझ गया। सो इसको इंग्लिश में कहते हैं फेयर इनफ। इंग्लिश में क्या कहते हैं? फेयर इनफ। इंग्लिश में क्या कहते हैं? फेयर इनफ। चलो कोई नहीं कर लांगे, या चले कोई बात नहीं, आप मुझे पैसे दे दीजिएगा, फेयर इनफ। आपसे वो कहते हैं यार ले लेंगे, फेयर इनफ। या आपको मिसाल के तौर पे किसी ऐसी जगह पे रिमार्क्स देने हैं आगे चल के, क्या अब मैं मिसाल के तौर पे मैं शॉप पे गया, सो उससे मैंने कहा कि ये मेरा सिलेंडर जो है वो आप 1 kg गैस इसमें LPG आप भर दें। सो उसने कहा जी ये आधा किलो यानी कि 1/2 kg LPG आपको मिलेगी, तो इससे आपका गुजारा होगा। सो मैंने कहा ठीक है हो जाएगा, तो इसको इंग्लिश में मैं क्या कहूँगा? फेयर इनफ नहीं कहेंगे। उस वक्त हम कहेंगे इट्स ओके, इट्स फाइन विद मी, इट्स फाइन विद मी, ठीक है मैं कर लूंगा, इट्स फाइन विद मी, इट्स फाइन मतलब ठीक है, नहीं मतलब ठीक है इसमें कोई अर्थ नहीं। इट्स फाइन विद मी में इट्स फाइन विद, नहीं मतलब मेरे साथ कोई हर्ज नहीं, इट्स फाइन विद मी, इट्स फाइन मतलब कोई हर्ज नहीं। जैसे आपको फॉर एग्जाम्पल आप कल को इंशाल्लाह इंग्लैंड जाते हैं, सो आपको वहां जाके कहते हैं कि जी आज यार काइंडली इससे गुजारा कर लें, ओके इट्स फाइन विद मी, मतलब ठीक है मैं मुझे कोई हर्ज नहीं, क्या आप मेरे साथ रह सकते हैं? इट्स फाइन विद मी, मुझे इससे कोई हर्ज नहीं, मुझे इससे कोई हर्ज नहीं, इट्स फाइन विद मी, ठीक है। तो ये वो चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। या अब ये एक और थोड़ी सी ब्लंट, एक ब्लंट है कि फॉर एग्जांपल आपको कोई कहता है कि यार मतलब मिसाल के तौर पे यार क्रिकेट और फुटबॉल का मैच हो रहा है, क्रिकेट और फुटबॉल का मैच हो रहा है, क्या तुम क्रिकेट के मैच देखते हो? सो आप कहते हो मुझे नहीं परवाह इन चीज़ों की, मुझे यार मैं नहीं परवाह करता इन चीज़ों की। सो आप कह सकते हो आई कुडंट केयर लेस, आई कुडंट केयर लेस, लिख लें कुड नॉट को हम पढ़ते हैं कुडंट, कुड नॉट को हम पढ़ते हैं कुडंट। सो आप कह सकते हो आई मुझे इससे परवाह नहीं, आई कुडंट केयर लेस, ठीक है मुझे जरा भी परवाह नहीं है यार, डू यू वॉच कुडंट केयर लेस, ठीक है कि डू यू वॉच मूवीज, आई कुडंट केयर लेस, मतलब मुझे इससे परवाह, मुझे इसकी परवाह नहीं है। सो ये वो एक्सप्रेशंस हैं या ये वो अल्फाज हैं या फ्रेजेस हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी इंग्लिश को बेहतरीन कर सकते हैं, आप अपनी इंग्लिश को, और आप यकीन करें कि ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और आखिर में हम तबसरा करेंगे उन चीज़ों पे, जैसे फॉर एग्जांपल हम अपनी बात का इख्तिताम करते हैं, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो फिकरात का इख्तिताम करते हैं तो उन्हें पता नहीं होता हम फिकरात का इख्तिताम कब और कैसे कर, फिकरात का इख्तिताम कब और कैसे कर। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ आप अपने बात को बताते हो टॉपिक और आप कहते हो बस इतना ही, दैट्स इट, दैट्स दैट्स इट सर, मतलब ये सब कुछ, यहाँ यही सब है, दैट्स ऑल। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए जुड़े रहें सैल इंग्लिश के साथ। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।